हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज इतने दिन बाद ब्लॉग आ रहा है तो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता है, बहुत अच्छे से। और ये बैठी है मेरी खा रहे। उससे पहले कुछ बता दें आपको, बहुत मतलब ब्लॉग ना डालने का कारण बहुत बड़ा था। था क्या है जो आप लोगों को बताना है? और ब्लॉग बिल्कुल बनाने का ही नहीं था मूड, लेकिन ये देखो, हर पल लगातार बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मतलब ज्यादातर अभी तो कुछ ठीक हो गई, क्योंकि वहाँ अपने घर भी गई थी तो कुछ ठीक हो गई है, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम था। इसकी मम्मी ने भी और चाचा ने बुला लिया जबरदस्ती कि आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो जो हमने बताया था एक पोस्ट डाल के कि हमारे साथ गलत हुआ, तो वो है, यही बता दे, तू बता दे। बता दे, बता दे, सबको बताना तो पड़ेगा। तो यही सब है, क्या सब है? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। अब जो हो जाता है ना, उसको वापस ला नहीं जा सकता। रोनी धोनी से क्या ही मतलब है। और हम लोग अभी शॉर्ट्स भी नहीं डाल रहे थे, कुछ शॉर्ट्स मतलब अभी बनी थी जब राधा आई, एक शॉर्ट्स केवल बनी है, नहीं तो सब पुराने शॉर्ट्स डाल रहे थे। जो लोग को लग रहा होगा कि पता चले शॉर्ट्स डाल रहे थे और यहाँ ब्लॉग में ऐसे बता रहे हैं, तो हुआ क्या है वो बता देते हैं उससे पहले आप लोग परेशान ना हो, हमें पता है। लेकिन अब आप लोगों की बारी है, रिक्वेस्ट मैं ही कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना दे रही थी मेरे को, और बस आप लोगों को इसको समझाना है। और हुआ क्या है तो बता दे। मैं मेरा जो आने वाला बाबू था वो अब नहीं रहा, समझ गए आप लोग? मतलब बाबू क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिसकैरेज। मिसकैरेज, इसी कारण से हम लोग इतने दिन ब्लॉग नहीं डाले और ना ही शॉर्ट्स बना रहे थे। बस कभी शॉर्ट्स बन जाती थी, वो भी ज़बरदस्ती एक तरीके से बनाना पड़ रहा था, क्योंकि वो मजबूरी थी। और ब्लॉग बस यही कारण था कि नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा परेशानी है। बाकी सब संभल सकते हैं, लेकिन माँ नहीं संभल सकती, ऐसे होता है। हमें तो चलो हम ना अपने आप को संभाल रहे, लेकिन इसको आप लोगों को समझाना पड़ेगा कमेंट में, वरना ब्लॉग फिर से बंद हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़बरदस्ती करके इसको लाया हूँ, इतना समझ जाओ आप लोग बस। आपको क्या पता? देखो मेहंदी भी इसको ज़बरदस्ती ही लगवाया गया। कौन लगाया था इसको? मेरी चाची की लड़की, मम्मी और सब मिलके ज़बरदस्ती की। चलो अब जो हुआ हुआ, खूब समझाया भी गया इसको, लेकिन क्या करोगे। अभी ये मायके से आई है, मायके में मैं बोला गई थी, बट जब सब कोई पास में आते थे तो हंसने लगते थे, फिर सोचते थे क्यों क्या किसी को अपना दुख दिखाएं, सब और हंसेंगे, तो सबके सामने रहते थे तो हंसने लगते थे, लेकिन जब अकेले में होते थे तो फिर वही याद आए, फिर वही रोना आता था मेरे को। वहाँ कुछ वीडियो बनाई, हम बोले थे ना बनाने को, मैंने ही बनाई, थोड़ा बहुत ऐसे बनाई, वहाँ सच के को मन नहीं करता था कि कैसे बोलूँ बनाओ, थोड़ा बहुत मैं बनाई, थोड़ा बहुत एक लड़का था उसी से बनवाई थी कि आप बना दो फिर डालने को कभी काम आएगा, फिर कहाँ ये सब लोग मिलेंगे याद है, पर वहाँ पे जैसे प्रोग्राम था वहाँ पे सबको इकट्ठा थे, तो इस वजह सोचे कि हमारे दुख की वजह से कभी हमें शूट नहीं कर पाएंगे, कल को पछताना होगा कि अरे यार कास्ट रिकॉर्डिंग किए हो तो अच्छा रहता, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किए, इसीलिए हम बोले भी थे कि देखो
जो हो चुका है वो वापस तो आना नहीं है कोई भी चीज़ गाइस। तो लेकिन फिर भी अब है माँ, माँ होती है, मन तो नहीं मानेगा लेकिन अब दिखावा भी करना पड़ता है, जैसे लोग खुश हैं तो वहाँ जाकर रोने थोड़ी लगना है। तो ऐसा है इसीलिए इतने दिन नहीं, तो इतने दिन जिंदगी में एक वीडियो नहीं बना पाते, हम दिन भर लगे रहते तब भी इतने दिन एकदम लगातार ये, मतलब आप समझ लो क्या माहौल होता है, आप लोग जो माँ है वो समझ सकते अभी हैं। इतने दिन बाद मैं थोड़ा बहुत बोल रही हूँ आप लोग से, नहीं हाँ तो मैं तो 1% नहीं, मैं सोची आप लोग भी परेशान, जैसे किसी का फोन आया अगर थोड़ा सा वो बोले कुछ और फिर फोन अचानक कट जाता है तो इंसान परेशान होने लगता है कि बात क्या है बात क्या है, इसी तरह आप लोग परेशान होने लगे थे इसलिए मैं सोची कि आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, आप लोग भी तो जानना चाहते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ तो यही सब है, यही मेन चीज़ हुआ था गाइस, और कोई मैटर नहीं है। और बाकी सब दुखी थे लेकिन अभी सब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि हो गए काफ़ी दिन हो गए, मतलब जब से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, आप लोग को पता होगा पोस्ट डाल के बताए थे, तो अभी कुछ अच्छा बना नहीं सकते ब्लॉग, तो माफ़ी चाहते हैं इसके बारे में। जो बनना है उसे डाल दीजिएगा ना, इसको जो घर वाली वीडियो बनाए है उसे डाल दीजिएगा, क्या करें, लेकिन तब भी कमेंट आएगा उसमें उल्टा सीधा हाँ कि कि तुम लोग खुश हो गई हो हाँ कोई यही आएगा, ये बात पूरा वीडियो कोई देखेगा नहीं नहीं, कि ये वाली पूरी और वीडियो ये ताकि वाली जब बात को नहीं देखेगा समझे, तो वही सोचेगा वही कुछ तो भी, कोई बात नहीं, अब सोचने वाले को सोचने देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बस ठीक है कोई नहीं, हम तुम ही फिर से दूसरा बाबू ठीक है, अब हंस तो ऐसे तेजी से गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर समझाना इसको, क्योंकि मैं बहुत थक गया और ये आप लोगों कमेंट बॉक्स बहुत देखती है, कमेंट बहुत पढ़ती है, आज तो और पढ़ाएंगे हम इसका, जिससे कि ये समझ पाए और शायद उससे बहुत कुछ फर्क पड़े। मैं तो समझाते समझाते थका हूँ लेकिन बहुत कुछ काम भी आया है, नहीं तो ये वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थी, तभी वीडियो भी नहीं आ रही थी 1% भी, और फिर उसके बाद तो मायके चली गई तो फिर वो भी हो गया, तो सारा कुछ मतलब बहुत कुछ, वहाँ भी एक दो वीडियो बनी है तो क्या आप तो नहीं देखना। उदास थे क्या जो मेरे बारे में बस बताए जा रहे हैं, खुद तो एकदम अकेले बैठे रो रहे थे तब, नहीं मुझे समझाते थे वो फिर सब क्या चुप चुप के खुद बताने, भी रोते थे, क्यों तुम देखती थी क्या, तुम्हें कैसे देखते, मैं देखती थी मुझे पता है फीलिंग्स, मैं इसीलिए रो रही थी तुम्हारा। ऐसे होता है ना, मतलब एक बंदा कोई देख रहा है दूसरे को रो रहा है तो फिर और रोना आता बंदा नहीं, है हम लोग पति पत्नी हैं। जब मुस्कुरा दे जल्दी से, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करते हैं हम, हंसने से हड्डियां मजबूत नहीं हमें भूल ही नहीं रहा ना, होता है, जिंदगी है कुछ न कुछ नया, आज इतनी आवाज सुन होगी आप लोग भी कहोगे कान लगा कैसे पर बहुत लग में जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं बनाना, बाबू क्या कर रहे थे, मतलब देव सुन मम्मी मम्मी बाहर खाना खा रहे हैं, अभी दिखाते हैं, मेरी आंख में आंसू है तो मैं दिखा भी नहीं सकता वहां जाके, नहीं तो फिर यही हो जाएगा कि ये लोग अब भी रो रहे हैं लग गया, ये देखो दिया बेटा, उसका पंखा क्यों बंद कर दिए, चलिए यहाँ से कमरे में आइए अपने, आइए यही सब गाइस, अपने कमरे में रहिए, उसका पंखा बंद कर दिए, अभी वो बच्चे नहीं उठेगा तो रोने लगे, एकदम कमजोरी लग रही है, कमजोरी
कैसे हुआ था कुछ बताओगे? ब्लीडिंग होने लगी थी और क्या। ब्लीडिंग से हो जाता है ऐसे? हाँ बाबा, अब तो को पता होगा ना, खुद ही और सब समझ गए होंगे अच्छे से क्या कैसे। हाँ कोई नहीं, तो अभी यही सब है चल रहा, जो कि किसी को दिखाने का मूड नहीं कर रहे मम्मी पापा इस ब्लॉग में, यहाँ पे दिखाएंगे तो लोग कहेंगे हमारे आंसू देख लीजिए थोड़े बहुत, आज कितनी स्लो आवाज रहेगी इस ब्लॉग की। कोई नहीं, अब फिर से कोशिश करेंगे वैसे ही ब्लॉग आए जैसे था। सही बात है, मुझे लगता है कि दुख तो दुख को छिपा के अपना काम करने पे फोकस देना पड़ेगा, वही करना तो पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बर्बादी आ जाएगी, यहाँ पैसा कहाँ से आएगा, सब कुछ मतलब कहाँ से होगा, घर का खर्चा, अगड़म बगड़म, पेट्रोल वगैरह सब कुछ कैसे होगा। तो अभी इससे बढ़िया है कि हम लोग सही हो जाए, तुम्हें ही समझा रहे हैं इनको, नहीं ये सब खुद ही समझ जा रहे, तुम नहीं समझ जा रहे, तुम मूर्ख मूर्ख समझे, जो दिन भर कभी वहां रोती रहे तो कभी वहां बैठ कर कोने में सोचती रहे कि दिमाग चलाती रहे ऐसे पगला है जैसे पागल हो गए एकदम, देख कैसे देख रहे जैसे पागल है। अब छोड़ दो ये सब करना, वो आराम से डेली ब्लॉग डालो और शॉर्ट्स भी बनाओ समझे, तब से मस्त रहेगा। बस अभी तक बताओ, इतना बज गया, कोई खाना नहीं खाया, मतलब कोई हम दोनों नहीं खाए, पापा मम्मी को दे दिए, उनको दे दिए, मेरे को तो भूख ही नहीं है। भूख नहीं है तुम्हें, ऐसे ही भूख नहीं रहती है बस, खाने ने लाइक आराम से खाए पिए मस्त रहे। अब हो गया ना ये सब, दुनिया है होता रहता है, होता रहता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हैं, सब भगवान की माया, जो भगवान ही जाने। बोलोगे हम नहीं बोल, अब नहीं बोलना कुछ, हाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बंद कर दीजिए, बंद कर दी अभी 12 मिनट छोटा सा बना, बंद कर दीजिए। तो ओके गाइस, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ, मैं बाहर जाके आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें, इधर इतनी धूप है यार, मौसम अच्छा है, अभी मुद्दा ये है कि वो एकदम मतलब सच में जितना आप लोगों को दिख रही है ना उतना है नहीं, इतनी मेहनत से मैंने बोला ब्लॉग में रोना मत, 1% मत रोना, लेकिन फिर भी आंसू उसके आँख में बहुत भरा था और मैं समझ सकता हूँ उसकी फीलिंग, लेकिन मैं बाहर आके इसलिए बता रहा जिससे कि उसको ये सब पता ना चले और नहीं तो और रोना आता मुझे पता है। तो जब अब वही आप लोग कमेंट बॉक्स में ना बहुत ज़्यादा ही समझाना, कुछ बड़े बड़े मैसेज लिखना जिससे कि वो और ज़्यादा समझ पाए ये सब और सही हो जाए जल्दी से, क्योंकि इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ रहा है, देव को भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग सब जानते हो ज़्यादातर चीज़ें, हालत तो सबकी ख़राब हो गई थी, बस वही है कि इतने दिन तक ब्लॉग बने मतलब कैमरा फेस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हो रही, मतलब मेरी हो जा रही थी एक तरीके से, लेकिन हाँ अगर मैं राधा की बात करूँ तो उसको सामने लाने के भाई कोई मतलब नहीं, और इतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाना तो समझ जाओ कि उसमें बताना, और बताने से इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती ना मुझे पता, मैं कुछ वीडियो अपनी खुद की बना रहा था अकेले जिससे कोई दिक्कत ना,
मतलब हमारा चैनल बंद ना हो, नहीं तो ख़राब हो जाता है चैनल, आप सबको पता है। थोड़ा बहुत हमें डालना पड़ रहा था, लेकिन ब्लॉग पे एक भी वीडियो नहीं आई थी। कल एक वीडियो आई थी, वो भी मेरी अकेले की थी, उसमें वो एक प्रमोशन था और कुछ नहीं था। चलो गाइस कोई नहीं, बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस आप राधा को थोड़ा सा आप लोग समझा देना कमेंट बॉक्स में, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ये हमारा पीछे साइड का है पूरा, देखो यहाँ पे अभी कुछ लगने वाला है ये खेत में, मतलब ये धान गेहूँ जो भी समय है इस समय, हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता। हम कोई ये मत बोलना कि तुम विदेश से हो क्या, मेरे को सच में नहीं पता। विदेश से नहीं, यहीं से इसी मिट्टी में पैदा हुए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि ये सब काम मैं नहीं किया हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग। ये आ गई कपड़े हटाने आई है, एकदम जैसे पागल से बनी है, जैसे साड़ी वाड़ी देख पागल सी बन रखी है एकदम से। तो चलो गाइस अब एंड करते हैं, और जो आप लोगों को हम कहें ना वो कर देना प्लीज़। देखो पूरा कपड़वा भी नहीं हटाई, चली गई, देखो अभी पूरा कपड़ा बच्चे उस पर चली गई लेके, समझा जरूर देना। फिर मिलते हैं, हम भी कमेंट आपके पढ़ेंगे प्लीज़, जिससे कि हम लोग डेली काम कर सकें, नहीं बहुत कुछ बदल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू।